मित्रों नमस्कार। मित्रों मैंने कल आपसे वादा किया था कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019-20 के लिए मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो मित्रों इसी क्रम में आज मैं आपके सामने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आया हूं। मित्रों विज्ञापन देख करके आपने जान लिया होगा कि मैथमेटिक्स में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के प्रश्न आएंगे। तो यूपीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें अंक गणित से जो संबंधित प्रश्न हैं उसमें मेंसुरेशन यानी सॉलिड ज्योमेट्री, ठोस ज्यामिति जिसे कहते हैं, उससे संबंधित 3 या 4 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मित्रों ये परीक्षा भी ठोस ज्यामिति से अछूती नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले ठोस ज्यामिति से संबंधित प्रश्न लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अंक गणित में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है। तो ठोस ज्यामिति समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके सारे फार्मूलों को याद कर लें, उनके फार्मूले हमको पता हों तथा उनकी शॉर्ट ट्रिक्स हमको पता हों, तभी हम एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो आइए मित्रों हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन यानी सॉलिड ज्योमेट्री यानी ठोस ज्यामिति। और ठोस ज्यामिति शुरू होती है किसी डिब्बे से। डिब्बे को कहते हैं घनाभ। घनाभ, घनाभ को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड, ठीक है। घनाभ एक आयताकार बक्सा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है मित्रों। तो घनाभ से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए घनाभ के सारे फार्मूले हमें पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं घनाभ के क्या फार्मूले हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एक घनाभ यहां पर बना हुआ है, एक आयताकार बक्सा यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। माना किसी घनाभ की भुजाएं या विमाएं L, B, H हैं। अब बात आती है मित्रों भुजाएं या विमाएं। L, B, H, L, B, H का मतलब L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। यानी L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। माना किसी घनाभ की भुजाएं L, B, H हैं, यानी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तो घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच घन इकाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई। इकाई के मतलब है मित्रों
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दिया है तो घन मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर में हो जाएगा, डेसीमीटर में दिया है तो घन डेसीमीटर में हो जाएगा। यानी जो हमारी विमाएं हैं, जो हमारी नापे हैं, जिस भी इकाई में दिया है वही इकाई यहां पर आएगी और ये घन इकाई आएगी। इसको हम लिख सकते हैं LBH। LBH के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, फिर भी यहां गुणे का चिन्ह है। LBH घन इकाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घनाभ का आयतन आपको मालूम हो गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, मित्रों किसी घनाभ में किसी आयताकार जो है बक्से में 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक आपके सामने, हम आपको एक ये किताब दिखा रहे हैं, देखिए इसमें 6 पृष्ठ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक लंबाई का पृष्ठ, एक चौड़ाई का पृष्ठ और एक ऊंचाई का पृष्ठ। तो इस तरह से 6 पृष्ठ होते हैं, लंबाई के 2 होते हैं, ऊंचाई के 2 होते हैं और चौड़ाई के 2 होते हैं, और उन सबका क्षेत्रफल अगर जोड़ दीजिए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई एल इंटू बी प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई बी इंटू एच प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई एच इंटू एल और वर्ग इकाई, यानी ये इक्वल हो गया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब है स्क्वायर यूनिट। तो आपने देखा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको मिल गया। अब बात करते हैं कि अगर कोई बक्सा है या कोई कमरा है जो घनाभ के आकार का है और उसमें लंबी से लंबी क्षण, कितनी लंबी क्षण रखी जा सकती है, तो सीधी सी बात है एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। यानी जैसे ये हमने चित्र बना रखा है, यहां घनाभ आपको दिख रहा है, तो सबसे लंबी क्षण इस कोने से लेकर इस कोने तक, यानी सबसे लंबी क्षण ये होगी या फिर सबसे लंबी क्षण ये हो सकती है। तो मित्रों इसे कहते हैं घनाभ का विकर्ण, यानी घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ये होगा खाली इकाई। अगर विमाएं सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में है तो मीटर में आएगा, डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा घनाभ का फार्मूला, यानी क्यूबाइड का फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू एल बी एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एंड डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके मित्रों, अब सीधी सी बात यह है कि घनाभ में आयताकार बक्से में 4 वॉल्स होती हैं, 4 दीवारें होती हैं, छत और जमीन को छोड़ दीजिए तो 4 दीवारें होती हैं, उनका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल घनाभ घनाभ की चारों
दीवारों का क्षेत्रफल। इक्वल टू होता है 2 गुणे ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई, और चूंकि क्षेत्रफल है तो यह हो जाएगा वर्ग इकाई। यानी इस तरह से घनाभ की चारों दीवारों का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर आपको घनाभ की जो है छत और जमीन का क्षेत्रफल निकालना है, यानी फर्श का क्षेत्रफल निकालना है और छत का क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ के छत या फर्श का क्षेत्रफल इक्वल टू 2LB, 2LB 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। मित्रों, क्योंकि छत का क्षेत्रफल और जमीन का क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है, इसलिए किसी घनाभ के छत या फर्श का क्षेत्रफल निकालना हो तो 2LB इसका फार्मूला आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी घनाभ की आपको जो है भीतरी दीवारों का पता है, भीतरी लंबाई, भीतरी चौड़ाई, भीतरी ऊंचाई पता है, तो उस घनाभ की या उस घर की या उस आयताकार जो है बक्से की बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला समझिए, यानी बाहरी नापें। बाहरी नापें बराबर भीतरी नापें प्लस 2 गुणे मोटाई। ये मोटाई क्या है मित्रों? मोटाई जो है दीवाल की मोटाई है, यानी दीवाल कितनी मोटी है, कितने इंच की दीवाल है, ये यहां पर काम करता है। ठीक है, बाहरी नापे मालूम हो गई। अगर आपको मान लीजिए भीतरी नापे पता है बाहरी निकालना है, या बाहरी पता है भीतरी निकालना है, तो हमको अगर बाहरी नापे पता है भीतरी निकालना है तो भीतरी नापे बराबर बाहरी नापे माइनस 2 गुणे मोटाई। ठीक है मित्रों, ये तो घनाभ का बेसिक फार्मूला रहा। अब मैं कुछ बातें आपको घनाभ और घन से रिलेटेड और बता रहा हूं, ये आपने देख लिया होगा। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं, और मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं। अगर मान लीजिए कोई घनाकार टंकी है, ठीक है, घनाकार टंकी है और उसमें जो पानी है, घनाकार टंकी में पानी भरा हुआ है, तो आपको पता है कि जो पानी है पानी को लीटर में मेजर किया जाता है, पानी को जो है मापन लीटर में होता है। तो अगर जो है आपको घन सेंटीमीटर को घनाकार टंकी को लीटर में बदलना हो, या किसी टंकी में कितने लीटर पानी आ रहा है यह पता करना हो, तो क्या करेंगे? इसके लिए फार्मूला है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 10 × 10 × 10 यानी 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा बर्तन हो, तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। ठीक है मित्रों, और जान लीजिए अगर आपका कोई बर्तन जो है घन मीटर में है तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा,
यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा बर्तन में कितना पानी आएगा, तो इसे कहेंगे 1 घन मीटर। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, यानी 1 घन मीटर के बर्तन में 1000 लीटर पानी आएगा। 1000 घन मीटर का मतलब यह है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। ठीक है, चलिए अब हम घन की बातें करते हैं। ये तो घनाभ था। घन जैसा कि आपको मालूम है वर्गाकार बक्सा, वर्गाकार आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। चलिए यहां पर हम एक घन बना रहे हैं। देखिए ये घनाकार बक्सा है और माना इसकी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जो है विमाएं a हैं। तो माना घन की भुजाएं, माना घन की भुजा a है। यदि एक भुजा a है तो उसकी सारी भुजाएं a होंगी, लंबाई भी और चौड़ाई भी ऊंचाई भी सब a होंगी। तो ऐसी कंडीशन में आप फार्मूला बनाते हैं घन के लिए। तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। और इकाई तो मैंने अभी की, आयतन की इकाई होती है घन इकाई। अब आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। मित्रों घन में भी 6 पृष्ठ होते हैं और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a² वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब बात करते हैं घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, इक्वल टू होता है a√3 इकाई, यानी ये घन के लिए फार्मूले हैं और वो घनाभ के लिए फार्मूला था। तो मित्रों आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, टेस्टिंग के लिए बनाया है। आज आपको मैंने फार्मूला दिया है, कल से मैं प्रश्न लेकर आपके सामने रहूंगा और उनका सलूशन बताऊंगा। किसी भी प्रश्न को पहले मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में बताऊंगा, यानी उसको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद उसका सार्ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूं कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसलिए बाकी मैं आपको कल बताऊंगा। और आज मैंने जो आपको घनाभ और घन के फार्मूले बताए हैं मित्रों, इसको रट लीजिएगा। कल मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि जो है आपको फार्मूले अगर याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं प्रश्न बता रहा होऊंगा तो अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।